नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार पर आगाह करने के लिए खत लिखने वाले बीजेपी समर्थक ने खुदकुशी कर ली है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर और भाजपा समर्थक ने उडुपी में आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया है। आत्महत्या करने वाले बीजेपी समर्थक ने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भी भेजा है। पूरी घटना पर कर्नाटक के काबीना मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस उनका इस्तीफा मांग रही है तो वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। मंत्री के इस्तीफे पर अटकलें लगाई जा रही हैं। 40 वर्षीय संतोष पाटिल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने अपने गृह जिले बेलगाम के गांव में 2021 में ठेकेदार द्वारा किए गए सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपये के बिल को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन की मांग करी थी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 स्कूली छात्र हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर 11 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 33 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 अलग अलग स्कूलों के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वायरस के किसी नए स्वरूप के मरीज नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। शर्मा ने कहा कि यहां के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र छात्रा या अध्यापक को खांसी, जुकाम, बुखार या कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे तो तुरंत उन्हें स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा, ताकि उनका टेस्ट कर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि अगर स्कूल के प्रबंधक कोरोना के मामले को छुपाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई में बद्रीनाथ केदारनाथ की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत सभी 4 धामों के कपाट मई में खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ हो रही है, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के 8 मई को खुल रहे हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर संभावित अधिकारियों के साथ बैठक करी और उनकी यात्रा के दौरान खराब मौसम होने और दूसरे संभावित कारणों के चलते गौचर में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तैयारी करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की खुली धमकी देने वाले कथित महंत को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सपा ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा कि भाईचारे और सद्भावना की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा सरकार सीतापुर में धर्म विशेष की महिलाओं को पुलिस की मौजूदगी में रेप की धमकी देने वाले आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न होना घोर निंदनीय है। पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ? जवाब दे सरकार। पार्टी ने इसी ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आखिर ऐसे भड़काऊ टिप्पणी करने वाले महंत पर बुलडोजर कब चलेगा। गौरतलब है कि पिछले 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि उर्फ अनुपम मिश्रा ने सीतापुर जिले में कथित रूप से एक मस्जिद के सामने गाड़ी में बैठकर लाउडस्पीकर से भड़काऊ बयान दिया था। रूसी सैनिकों ने एक स्कूल के बेसमेंट में 300 से ज्यादा ग्रामीणों को रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद हफ्तों तक तनाव में रहने और भोजन पानी के अभाव के चलते उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई है। कीव के करीब 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित यही दने के निवासियों ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मार्च की शुरुआत में उत्तरी शहर चेरनी हीव के आसपास के इलाके पर रूस के नियंत्रण करने के बाद रूसी सेना ने बंदूक का भय दिखाकर उन्हें बेसमेंट में रहने को कहा। एक कमरे में उन लोगों ने उन 18 व्यक्तियों के नाम भी लिखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बेसमेंट में लोगों की एक एक कर मौत होने पर शवों को समय समय पर पास के कब्रगाह में ले जाने की आसपास पड़ोस के लोगों को इजाजत दी जाती है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।